थाना के डिवीजन नंबर 3 स्थित सोफा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर एक बच्चा फंस गया था, जिसे फायर अफसरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचा लिया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सिंगला सोफा बनाने वाली फैक्ट्री के लेबर ने देखा कि आग की लपटें निकल रही थी। उन्होंने तत्काल अपने मालिक को सूचना दी और फायर ब्रिगेड को फोन किया। लुधियाना की कई जिलों की फायर स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी हुई है। भीषण आग लगी है, जिसे सोफे के कारीगर लगे थे, शॉर्ट सर्किट होने आग लग गई, पर मौके पर गड्डियां आने काफी कंट्रोल च आ गया। काफी कंट्रोल च चले, आसे पास खाली करा रहे सारे, जी दुकाना भी खाली करा ली गई है। दो गड्डी आ गई, कौशल नाम मुंडे जी की फैक्ट्री, सोफे कोई जान तक कोई खतरा नहीं था, बचा हो गया। फतेहगंज महला, फतेहगंज महल च अज सवेरे सवेरे शोर सर्कट के करके अग लगी है। जानी नुकसान कोई नहीं, महल की पूरी मदद के नाल मौके से फायर ब्रिगेड के पहुंचे नाल सारे इलाके निवासियों की मदद नाल इत्थे बचाव हो गया। काफी बहुत टाइम नाल अपने 2 घंटे हो गए जी, टाइम नाल मेयर साहब पहुंचे है शाम सिंह मल्होत्रा जी, इन्होंने मौके से पहुंच के बहुत महल सहयोग दिता, जिन्हें अग लगी। कौशल सिंगला नाम है लड़के का, सोफे के काम से अग लगी, काफी नुकसान हो गया जी। पीजे ज्यूलर की नाल की गली दे विच सानू टेलीफोन आया सी कि अग लगी है 3 नंबर चौंकी दे कोल, ते 12:20 ते अग लगी सी। असी गड्डी लैके आए ते इत्थे आन के देखा अग ज्यादा सी, ते होर गड्डियां भी मंगवा लईयां उस वेले, ते अग ते काबू पाया। इहदे बिलकुल सामने नुक्कर दे विच जिहड़ा मकान है उहदे विच एक लेडीज सी, 2 जेंट्स सी, एक बच्चा सीगा, उन्हां नू बाहर कढ लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लुधियाना से गुरमीत निजर की रिपोर्ट, कैमरामैन अमनदीप के साथ, Fox.Punjabi, योर सिटी योर न्यूज।